हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। स्वागत है आपका आईटीआई टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आईटीआई में टीचर बनने की जो भर्ती आने वाली थी उससे संबंधित एक रूल बुक जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको विस्तृत जानकारी दी गई है कि किस तरीके से आप ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या योग्यता है और किस स्टेट के लिए कितने पोस्ट खाली हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसका रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे देंगे, तो वहाँ से भी आप इस रूल बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आईटीआई में टीचर बनने की जो भर्ती है, ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी, इससे संबंधित सारी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें यह जो भर्ती है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। आप ऊपर देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आप MP के बाहर के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इसमें आप केवल मध्य प्रदेश के हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए आगे हम जानते हैं किस तरीके से इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वह आपको बताई गई है कि 1 नवंबर 2022 से आप आवेदन भर सकते हैं, जो कि आपको अंतिम तिथि 15 नवंबर 2022 है। तो इन 15 दिनों के बीच में आप डायरेक्ट MP ऑनलाइन के माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम की डेट रखी गई है वह आपको 16 दिसंबर रखी गई है। तो 16 दिसंबर का आप टारगेट बनाकर चलिए, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपका एग्ज़ाम 16 दिसंबर से आरंभ हो जाएगा, जो कि करीब 1 या 2 हफ्ते तक चलेगा। तो उसके बारे में जो जानकारी आगे आएगी हम आपको बता देंगे। तो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि 16 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो परीक्षा की शुल्क है वही हम आपको बता दें, तो आप जब फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करते टाइम ही आपको 500 रुपये, जो आप जनरल से हैं तो आपको 500 रुपये लगेंगे। अगर आप SC ST या OBC से आते हैं तो आपको 250 रुपये इसका शुल्क देना पड़ेगा आवेदन करते टाइम ही। दोस्तों, आयु सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए अगर आप कम से कम 18 वर्ष के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और अधिकतम 40 वर्ष की है जिसमें मांगी गई है। तो अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं, आयु सीमा रखते हैं, तो आप इसके लिए योग्यता रखते हैं, तो आप इसके लिए योग्य हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर आप 18 से 40 वर्ष के हैं। तो दोस्तों, इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम आपको बताने वाले हैं, ट्रेड वाइज पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट खाली हैं, तो उसकी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। आप आगे देख सकते हैं। दोस्तों, टोटल 305 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको 244 पद सीधी भर्ती से लिए जाएंगे और बाकी के जो 61 पद हैं वह आरक्षित हैं। तो आपको 244 पोस्ट के लिए कौन कौन सी ट्रेड में कितनी पोस्ट खाली हैं भाई हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो इसके लिए टोटल 20 पोस्ट हैं, और डीजल मैकेनिक के लिए 40 पोस्ट हैं, और रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर की जो पोस्ट है उसके लिए 11 पद खाली हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के लिए 7 पोस्ट हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 19 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 48, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो कि कोपा होता है उसके लिए भी 48 पोस्ट हैं, और फिटर के लिए यहाँ पर 24 पोस्ट दी गई हैं। देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, और जो ड्राइंग के लिए भी 24 पोस्ट हैं, और स्टेनो के लिए हिंदी है जो स्टेनो का, उसके लिए 3 पोस्ट हैं। तो टोटल आपका 244 पोस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसमें योग्यता रखते हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल्डर ट्रेड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, तो मतलब बेल्डर ट्रेड के लिए इसमें अप्लाई करने के लिए योग्यता नहीं है। यहाँ पर जितनी पोस्ट आपको बताई गई हैं केवल दस ट्रेड के लिए ही आवेदन निकाले गए हैं, तो यही जो भर्ती खाली हैं MP में ट्रेनिंग ऑफिसर की। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सारी जानकारी हम आपको बताते रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो इसमें जो योग्यता है, मध्य प्रदेश का पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि अगर आप ITI किए हुए हैं, चाहे आप SC BT से करें हों या NC BT से करें हों, तो आप डायरेक्ट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कम से कम अगर आपने ITI की हुई है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा। अगर आप ITI नहीं करे हैं तो 10वीं के बाद अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो अप्रेंटिसशिप के साथ में एक आपका एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं NAC परीक्षा। तो अगर आपने NAC किया हुआ है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा ITI आपने नहीं की है तो आप डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स किए हुए हैं संबंधित ट्रेड से, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वेतन है उसकी बात करें तो इसमें आपको स्टार्टिंग में 32,800 रुपये दिए जाते हैं मंथली। तो इसमें जो वेतनमान आपको पता चल गया होगा, 32,800 इसका वेतनमान होता है। और सिलेबस की बात करें तो मध्य प्रदेश ITI टीचर वैकेंसी है, उसमें आपको 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के पूछे जाते हैं,
और 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होते हैं। दोस्तों जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है तो आपको उस ट्रेड की ट्रेड थ्योरी पढ़ लेनी है, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन आएंगे। तो बाकी के जो 25 क्वेश्चन हैं भाई, आप विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, इस तरीके से आपको 25 क्वेश्चन टोटल आपको पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 100 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, अगर आपकी ट्रेड थ्योरी मजबूत है तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। यह भर्ती आपको हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। दोस्तों एक और आपको अच्छी जानकारी हम आपको बता दें कि यह जो भर्ती है इसमें आपको माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आप 100 में से 100 क्वेश्चन भी लगा कर आते हैं तो इसमें से आपको माइनस मार्किंग नहीं होगी, कोई भी गलत नंबर नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों रूल बुक के साथ में एक विस्तृत सिलेबस भी इसका अपलोड किया गया है वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं आपको किस ट्रेड के लिए कितना पढ़ना है। टॉपिक वाइज आपको बताया गया है कि किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सारी जानकारी आपको हमने इस वीडियो में आपको बता दी है, मध्य प्रदेश में ITI की टीचर जो भर्ती है उससे संबंधित। अगर आपके लिए कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में कर देना, हम आपको सारा रिप्लाई देंगे। अगर आपका कोई सा भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका रोज़गार पंजीयन है तभी आप इस फॉर्म के अप्लाई कर पाएंगे। तो मध्य प्रदेश का जो जीवित रोज़गार पंजीयन है वही आप करवा लेना। अगर आपका 3 साल से पुराना है तब आप इसको रिन्यू करवा लेना, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और मध्य प्रदेश ITI TU संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए है तो आप डायरेक्ट हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप का नंबर आपको दे देंगे। तो वहाँ पर आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पर हमसे कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। और इससे संबंधित हम आपको बता दें कि अगर आप कोपा ट्रेड से हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो वहाँ पर आप कोपा ट्रेड के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। आपको 48 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट कोपा और इलेक्ट्रीशियन के लिए हैं। तो आपको यह परीक्षा छोड़नी नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन वगैरह भी ला के दे रहेंगे। और अगर आपको इसका प्रीवियस ईयर का PDF चाहिए क्वेश्चन का तो वह भी हम आपको दे देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों रूल बुक में जो डेट दी गई है इसमें संभावना है कि यह डेट आपकी बढ़ाई भी जा सकती है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी आपको जानकारी प्राप्त है इसी माध्यम से आप आगे अपनी पढ़ाई करती जाइएगा। अगर इसमें डेट में कोई भी संशोधन होता है या इसकी डेट बढ़ाई जाती है तब भी हम आपको सारी जानकारी अपने चैनल पर लाकर देते रहेंगे। तो प्लीज़ आप दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको ITI की TU से संबंधित सभी जानकारी मिलती रहती है। और यहाँ पर आपको स्टडी भी कराई जाएगी आपके TU से संबंधित, जो भी आपका सिलेबस है वह सारा आपको बताया जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं इतनी सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।